मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्हास, 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 मेरा उल्हास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट लविन तेजवानी। मेरा उल्लास यानी मेरा, आपका, हम सभी का शहर उल्लासनगर। तो आइए देखते हैं क्या है इसकी गतिविधियां और क्या है इसके घटनाक्रम। मेरा उल्लास टीवी न्यूज पे आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर कैंप 3 में स्थित विश्वेश्वर मंदिर में 16 सोमवार के व्रत के उद्यापन का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर साई पार्टी गंगाजल फ्रंट की टीम मंदिर जाकर पहुंची और भोलेनाथ का दर्शन किए और पूजा अर्चना की।
असांजे उल्हासनगर में विश्वेश्वर शिव मंदिर उल्हासनगर टे में चौमासे जो विर्त तमामु घणी धूमधाम सां मल्हायो वेंदो आहे। भॻवान जे प्रेम ऐं विश्वास माण्हुनि जो एतिरो आहे, सभु जूं मन जूं कामनाऊं पूरियूं थियनि थियूं पियूं ऐं अची करे विर्त नेम सां सुठे नमूने फंक्शन कनि था पिया। जीअं त हर साल चौमासे विर्तनि में विश्वेश्वर महादेव मंदर में महाराज स्वामी बालचंद दीपक लाल मंदर में हमेशह नित नेम ऐं शेवादारी अची करे शेवा कंदा आहिनि, विर्त रखंदा आहिनि ऐं उन्हनि जूं मन जूं इच्छाऊं सभु पूरियूं थींदियूं आहिनि। कंदम जो महादेव हिन साल बि जिन बि विर्त रखियो आहे, जिन बि शेवा कई आहे, उन्हनि जा मन जा मतिलबु सभु पूरा थींदा। महादेव हुननि जो भलो भाउ कंदो, हुननि जा लाया सजाया कंदो, जाॾे हूंदो पेर फिराए सभिनी जो खैर ई घर ईंदो, नओ साल सभिनी जो फलदायक सुखदायक थींदो। आयो लाल सभई चओ झूले, बोल कपलेश्वर महादेव। विजय कुमार लालवाणी राज्य जी शेवा साईं दरबार में म्यूजिशन सां स्वीकार थींदी। साईं मुंहिंजो हुनजे मथां आसीस कंदो रहिजी थी सभिनी रहे। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्हास। माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की तरफ से 16 सोमवार व्रत का उद्यापन तथा गुण गौरव पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। लख धन्यवाद। अमर जेको 55 साल आगे ही कार्य शुरू करे वही आ, उन कार्य के और सुंदर बनाने लाए, अगे और सुनो करण जे लाए, हेरा असाना सुणा सुणा भावर, असाना हेरा प्रेमी जेके अची करे ओला संत महात्मा बार नंडो जे जाए वडो सब सेवा में लगा पे आने तेने करे लख धन्यवाद सभिनीनि जो। असांजे ॿार में नानकाणीअ जन जो, जीवन इतनाणी साहिब जो, असांजे दीदी जन जो, सॼे शहर जो, असांजे आयल श्रीकांत शिंदे साहिब खासदार जो, संत महात्माउनि जो, जिन बि सुबुह खां वठी करे आशीर्वाद जो हथु फेरियो। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्हास। लोगों का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए स्वामी शांति प्रकाश योग केंद्र के शिक्षक कई कैंप्स का आयोजन किया करते हैं। इसी घड़ी में आगामी 27 अक्टूबर को इसे ही एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। इस बारे में सविस्तार जानकारी दे रहे हैं श्री कमलेश जशनानी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कमलेश स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र से फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए प्रोग्राम्स लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र में हर लाइलाज बीमारियों के इलाज होते हैं, हर तरह की वहाँ ट्रीटमेंट दी जाती है और जो वर्ल्ड हेल्थ डेज हैं वो भी हम अच्छी तरह से मनाते हैं और भिन्न भिन्न बीमारियों के बारे में आपको सही ढंग की जानकारी देकर और उसका सही प्रकार से इलाज कराया जाए वो भी आपको बताते रहते हैं। तो इसी संदर्भ में इस साल एक वर्ल्ड ओबेसिटी डे अर्थात मोटापा से छुटकारा पाने का अवेयरनेस प्रोग्राम, और है संधिवात अर्थात आर्थराइटिस, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे,
और तीसरा है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, अर्थात हड्डियों की कमज़ोरी के बारे में जानकारी देना और उसका इलाज बताना। यह तीन प्रोग्राम हम साथ में करने जा रहे हैं। मिड टाउन रोटरी पार्क है गोल मैदान में, गोल मैदान में मिड टाउन रोटरी पार्क आने वाले शुक्रवार को अर्थात 27 अक्टूबर सुबह 7:30 से 9। तो इन तीनों बीमारियों के बारे में हम खुलासा करेंगे और उनसे कैसे छुटकारा पाएं इस बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो भूलेगा नहीं, आने वाले शुक्रवार 27 अक्टूबर सुबह 7:30 से 9 मिड टाउन रोटरी पार्क गोल मैदान। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। डांस करने और सिखाने वालों के लिए एक खुशखबरी है, हमारे शहर उल्लासनगर में एक डांस वर्कशॉप का आयोजन होने जा रहा है तथा जिन लोगों को सेलिब्रिटीज के साथ डांस करना है वो इसमें भाग ले सकते हैं। इस बारे में सविस्तार जानकारी यहाँ दी जा रही है। उल्लासनगर वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, नीलम फिल्म्स और जैक्सन डांस ग्रुप प्रेजेंट कर रहे हैं स्टार प्लस के सेलिब्रिटी AVP क्रू, जो अपने जो बच्चों को डांस सिखाने उल्लासनगर आ रहे हैं। जिन भी बच्चों को इन सेलिब्रिटी के साथ डांस करने की इच्छा है मन में, या डांस करने की तमन्ना है, या उनके साथ डांस करने आए हैं, तो आइए जैक्सन डांस ग्रुप में अपना नाम रजिस्टर कराएं। तारीख है 29 अक्टूबर, समय है 3:00 से 6:00 तक। तो प्लीज़ बड़े तादाद में बड़े पैमाने में प्रोग्राम रखा गया है, आप आइए, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। हम चाहते हैं उल्लासनगर वासी जितने भी बच्चे हैं या जिनको भी है, एज वाइज कोई भी नहीं डिपेंड करता है, इन सेलिब्रिटी के साथ आइए, डांस करिए और मज़ा लीजिए। ये वर्कशॉप है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, उल्लासनगर वासियों के लिए। तो भूलिएगा मत, 29 अक्टूबर, समय 3:00 से 6:00 तक। तो रजिस्टर कराइए जैक्सन डांस जोन में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हमारे शहर उल्लासनगर में आनंद रामायण कथा का आयोजन 25 नवंबर से 2 अक्टूबर तक किया गया है। सदगुरु स्वामी विश्व आत्मानंद सरस्वती जी महाराज अपने अनमोल वचनों से सारी संगत को कीर्थार्थ करने वाले हैं। यह आयोजन दशहरा मैदान उल्लासनगर 5 में होने वाला है। ओम सत। दिवाली के अवसर पर एक तो लोगों को शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद देते हैं कि अपने जीवन में अच्छे पवित्र शुभ विचारों का प्रकाश करें, क्योंकि इसी से ही लोगों का भला है, लोगों को सुख होता है। और हर वर्ष की तरह से इस बार भी एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि श्री आनंद रामायण भगवान श्री राम अवतार ग्रहण करके इस सारे संसार को उपदेश दिए हैं, स्वयं अपने जीवन में अनुकरण करते हुए, मतलब कि ग्रस्त व्यक्ति के लिए, एक संसारी व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष साक्षात जो है ये एक उपदेश है। और दिशा निर्देश के लिए भगवान श्री राम का स्वयं जीवन का अवलोकन ही बहुत है, इतना ही ज्ञान जो है एक संसारी व्यक्ति के जीवन को अच्छी प्रकार से पार लगा सकता है। तो 25 अक्टूबर से ज्ञान यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया जाएगा, शाम को 5 बजे से कथा प्रारंभ हुआ करेगी। उसमें ज्ञान भक्ति और कर्म सभी का समुच्चय वर्णन किया जाएगा। क्या है, उल्लासनगर
मैं अधिकांश सिंधी लोग हैं, सिंधी लोग सनातन को भी अच्छा मानते हैं और फिर सनातन में दिवाली की परंपरा भी आ जाती है, तो सबको दिवाली का आशीर्वाद, शुभकामनाएं, आनंद दे। देखिए राजगुरु महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में आनंदमय श्री राम कथा का दशहरा मैदान उल्लास नगर मुंबई से सीधा प्रसारण 25 अक्टूबर से 2 नवंबर 2017 5:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। श्री गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में थारा सिंह दरबार की तरफ से प्रभात फेरी का प्रारंभ हो गया है। रोज सुबह सवेरे विभिन्न सड़कों पर प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी संगत हिस्सा लेती है और गुरु का जयघोष मनाती है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। साईं पार्टी के सक्रिय नगर सेवक और पूर्व सभापति श्री दीपक सिरवानी यानी टोनी साईं जी का है आज जन्मदिन। हम सब मिलकर देते हैं उन्हें ढेर सारी बधाइयां। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टोनी साईं जी। जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वह तुमसे न दूर है। इश्क करता है तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। वह करता है साई की इबादत, मर्यादा है उसकी फितरत, मालिक की उस पर है रहमत, इसलिए यह शख्स बन गया है शख्सियत। एक शख्सियत जिन्हें हम टोनी सिरवानी के नाम से जानते हैं। सेवा में सदा तत्पर रहने वाले, सहयोग में सबसे अव्वल रहने वाले, दुख सुख में सदा साथ निभाने वाले दीपक सिरवानी यानी टोनी साईं जी का है आज शुभ जन्मदिन। तो आइए टोनी साईं जी को देते हैं शुभ जन्मदिन की बधाइयां। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टोनी साईं जी। लख लख वाधायूं।
आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। आगामी 28 अक्टूबर को है गौ अष्टमी का पर्व। इस अवसर पर हम गाय माता की पूजा अर्चना करते हैं। क्या है इस पर्व का महत्व, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं श्री वासुदेव सचदेव। सनातन धर्म की जय। देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। ये कहा जाता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का निवास रहता है, और इसकी पूजा भगवान श्री कृष्ण ने 5 वर्ष में माता पिता के कहने पर गोकुल में की थी। और हम भी आज वो 28 अक्टूबर शनिवार के दिन श्री राधेश्याम गौशाला उलानगर 5 में बड़े धाम से ये उत्सव मनाया जाएगा। सदगुरु स्वामी शांति महाराज जी ने 1960 में 15 गाय से इनकी स्थापना की थी। आज 3000 गौ वंश है, और स्वामी देव प्रकाश महाराज की कृपा बरस रही है, और आप भक्तों का भी उसमें योगदान है। 28 तारीख शनिवार के दिन स्वामी टेवराम प्रेमिक आश्रम में सुबह को 6 से 7:30 बजे सत्संग हुआ। उसके बाद गाऊ माता भगवान की झांकियों संतों महात्माओं के साथ परिक्रमा की जाएंगी, और वह गौशाला में पूर्ण होगी। शाम को 3 से 7 बजे तक भक्ति भाव होगा, और संत महात्मा गाय के ऊपर कहेंगे कि गाय की पूजा महान होती है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास रहता है। खुद लक्ष्मी भी इनके पुष्प में समा जाती है, इसलिए गाय की सेवा उत्तम मानी जाती है। कहा जाता है कि संत कहते हैं कि गाय 12 दिन जो मृत्यु के बाद प्राणी की भोजन करता है, वो प्राणी को ही पहुँचता है और दूसरे कोई नहीं खाता है, इसलिए गाय की महिमा अपम आवारा रहे। जो भी भक्त को बीमारी होवे, टेंशन होवे, चिंता होवे और भूत प्रेत का वास होवे, तो 5 दिन ये गौ माता के यहाँ रहेगा तो वो भूत प्रेत निकल जाएंगे, क्योंकि उनको मुक्ति मिलेगी। और गाय की 3 टाइम सेवा करने से रोगी की बीमारी मुक्त हो जाती है। कोई भी बड़ी हॉस्पिटल में होवे, लेकिन गाय की सेवा उत्तम लेवल मानी जाती है। इसलिए भक्तजनों, आप परिवार के साथ यह उत्सव में आए और अपने को मनुष्य जन्म सफल बनाए। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हर इंसान के लिए स्वस्थ रहना बेहद जरूरी होता है, इसलिए मेरा उल्लास की टीम आपको मिलवाती है किसी न किसी योग शिक्षक से, जो देते हैं आपको हेल्दी और फिट रहने के टिप्स। जय श्री कृष्ण। आज बात करेंगे नकसीर। ये नकसीर क्या है? नाक से खून बहना, उसे नकसीर कहते हैं। ये खून कभी दिन में एक बार बहे या 2 बार बहे या कभी कभी बहे, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। इसका कारण है पित्त का बढ़ जाना। पित्त के बढ़ जाने से वो खून को जला देती है, और वही खून नाक से बाहर आ जाता है। इसका ये कारण है इसका कि जो आदमी ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है धूप में, उसको ये तकलीफ होती है। आग के नज़दीक में जो ज़्यादा टाइम रुकता है उसको ये तकलीफ होती है, और जिनको गर्म चीज़ें मसाले ज़्यादा और शराब वापरने से भी उनको ये तकलीफ होती है। आइए जानते हैं इनके कुछ घरेलू नुस्खे। जैसे ही किसको ये तकलीफ़ हो जावे तो फौरन सर पे ठंडा पानी डाल देंगे तो तुरंत आराम हो जाएगा, नाक से खून आना बंद हो जाएगा। अगर वो बंद नहीं हो रहा है तो पेशेंट को किसी ठंडी जगह पे लेटाएं और पीछे गर्दन के पीछे एक तकिया दे दें। तकिया दे के बाद में गर्दन पे नीचे जो पीछे सर है और माथे पे ठंडा पानी या ठंडी बर्फ़ की थैली दे दें, उससे उनको फौरन आराम हो जाएगा। और एक इसका दूसरा भी है कि नाक में फटकरी का 3-4 बूंदें डालने से, फटकरी का जो पानी है ना वो नाक में डालने से 3-4 बूंदें, उसमें भी आराम हो जाएगा। और हाथ में, दोनों हाथ में बर्फ़ पकड़ेंगे तो भी रोगी को आराम हो जाता है। ठंडे पानी की जल नीति लेने से भी इसमें आराम हो जाता है। ताजे धनिया की रस सूंघने से भी इसमें आराम हो जाता है। और एक इसका बहुत ही रामबाण इलाज है, 20 ग्राम मुल्तानी मिट्टी को कूट पीस कर 1 पाव पानी उसमें रात को भिगो देवे। लेकिन भिगोना किस में है? मट्टी का जो बर्तन होगा उसमें, लोखंड का या स्टील का बर्तन में नहीं, मट्टी के बर्तन में इसको भिगोना है रात को। सुबह उसको छान के, कपड़ा छान करके वो पी जावे। 2-3 दिन पीने से पुराना से पुराना नाक से रक्त गिरना फौरन बंद हो जाएगा। ये एक रामबाण इलाज है।
अपने खाने पीने का ख्याल करें, खुश रहें, निरोग रहे मेरा उल्लास। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।